let's have something sweet, which is not Greek to us. Well, it is Greek to us because it is Greek, and we are going to do a very interesting cake. The cake is called Rivani cake. Mr. Rivani apparently was a gentleman in the 16th century who was a scholar of sorts, and he was known for his eccentricities, but his love for food as well. And this cake is a dedication to him. It's sinfully rich, but you've got to try it once. So we have four egg whites that we will whip to a soft pea consistency. So ye thi part one of the recipe. Ab part two. Part two ke liye, let's take butter, 2 cups. Let's add sugar. And let's cream it. So the mixture is creamed. You can see it's nice and fluffy. Ab isme hum dalenge egg yolks very slowly. And once the egg is mixed in, we'll put the whole thing. And we'll fold everything together. Desiccated coconut. Here we are. So we've folded the desiccated coconut in the butter. Now it's time to fold the flour, 1 cup maida. देखिए, ग्रीस में केक सिर्फ स्पेशल ओकेजन पे ही नहीं खाया जाता, नाश्ते में बड़ा खाया जाता है. They have a lot of cake in the breakfast. Here we are, so the creaming is done. Now we will just fold it into the egg white and put it in the oven. अगर आप चाहें तो इतनी मेहनत ना करें, अगर आप चाहें तो एक साथ पूरा एग, होल एग डाल के उसको बीट कर लें, एक तरफ बटर शुगर क्रीम कर लें. यू डोंट हैव टू वर्क सो हार्ड, जस्ट विप द होल एग. यहाँ पर आई वांट मोर राइस, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा राइस मिले, इसलिए मैंने एग वाइट अलग से विप किया हुआ है. एग वाइट, देखिए ट्रिक ये है कि पहले थोड़ा सा एग वाइट लेके उसको अच्छे से मिक्स कर लें. जब भी आप कोई भी दो मीडियम यूज़ करते हैं तो दोनों मीडियम को पहले हल्का सा एक दूसरे के साथ मिला लें. नाउ लेट्स पुट आवर बैटर इन अ केक टिन. वी हैव अ टिन फुल ऑफ बैटर. लेट्स स्लाइटली लेवल इट, ज्यादा नहीं, क्योंकि अवन अपने आप उसको लेवल कर देगा. एक हल्का सा लेवल करके और दैट्स इट, एंड नाउ इट इज गुड टू गो इन द अवन. So we put this in the oven at 180 degrees for 15 to 20 minutes. Check जरूर करें 15 मिनट के बाद. जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, let's make a syrup for the cake. We have sugar. इसमें डालेंगे थोड़ा सा wine या water. अगर आप wine use कर रहे हैं, I suggest using vermouth. It's great for cakes. Nice. We just bring it to one boil and the sugar syrup is ready. हल्की सी खटास होगी शुगर सिरप में, बट यू वॉन्ट दैट, अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी स्वीट. ये एक्चुअली केक इतना रिच हो जाता है बिकॉज लॉट्स ऑफ बटर, कोकोनट एंड शुगर, दैट आजकल की जनरेशन के बच्चे इसे खाते नहीं है. बट इफ इट्स नॉट रिच, इट्स नॉट ग्रीक, राइट? चाहे आप पोर्शन साइजेस देख लें, चाहे आप लोगों का प्यार देख लें, सब कुछ आपको बड़ी बड़ी थालियों में मिलता है. दे से नोबडी इज अ स्ट्रेंजर इन ग्रीस एंड नोबडी एवर एवर गोज हंग्री. कोकोनट जो है वो केक को ड्राई कर देता है. किसी भी कोकोनट केक में हमेशा सेफ्टी के लिए या रेसिपी के द्वारा शुगर सिरप डाल ही दें. सी द कोकोनट्स काइंड ऑफ सोक्ड अप ऑल द शुगर. अब इसका एक वेज काट लेते हैं. सी इट्स नाइस एंड मॉइस्ट, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. So the sourness of lemon, the richness of coconut, all it needs is a little bit of nuttiness, aur wo aayegi pistachio se. Pistachio, a little bit of coconut, some more coconut. I don't think this cake needs anything else. Mere hisab se mera aur aapka roz subah ki coffee ka jugaad ho gaya.
रेवानी केक बनाने की विधि। एग व्हाइट्स और योक को सेपरेट करके एग व्हाइट्स के सॉफ्ट पीक्स आने तक विस्क करें। दूसरे बोल में मक्खन और शक्कर को क्रीम करें और एग योक डालकर फोल्ड करें। फिर डालें डेसिकेटेड कोकोनट और मैदा। एंड में एग व्हाइट्स डालकर केक बैटर को जेंटली फोल्ड करें। ग्रीस्ड टिन में केक बैटर डालकर 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट बेक करें। सिरप के लिए पॉट में बराबर मात्रा में शक्कर और पानी डालकर गरम करें। फिर डालें नींबू का रस और हॉट सिरप को बेक्ड रेवानी केक पर पोर करें। चॉप्ड पिस्ता, ग्रेटेड ड्राइड कोकोनट स्ट्रिप्स और लेमन वेज से रेवानी केक को गार्निश करें। रेवानी केक तैयार है।